कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करने की क्रिया बूटिंग कहलाती है। अब दोस्तों, जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें जब ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड किया जाता है, रैम मेमोरी में लोड किया जाता है, तो ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम बूटिंग बोलते हैं, इस प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। और दोस्तों, बूटिंग का अर्थ होता है कि कंप्यूटर सिस्टम पर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना एवं स्थापित करना, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर पर स्थापित करना, इस्टेब्लिश करना ही बूटिंग कहलाता है। और गाइस, हमारे कंप्यूटर में बूटिंग होती है वो दो तरीके से होती है। कंप्यूटर में जो बूटिंग की प्रोसेस होती है वो दो प्रकार से होती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग, एक होती है वार्म बूटिंग। तो ये कोल्ड बूटिंग क्या होता है, वार्म बूटिंग क्या होता है, यहाँ पर लिखा है जब कंप्यूटर सिस्टम को यूजर पहली बार स्टार्ट करता है तब यह क्रिया कोल्ड बूटिंग कहलाती है। यानी कि जब आपका कंप्यूटर काफ़ी देर से रखा होता है और ऐसे में यूजर अचानक से कंप्यूटर को स्टार्ट करता है, तो ऐसे में ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। और यह क्रिया तब होती है जब कंप्यूटर पूरी तरीके से बंद हो। यानी कि गाइस, आपका कंप्यूटर आधे घंटे से, एक घंटे से या दो घंटे से शट डाउन रखा है, बंद रखा है, और ऐसे में जब आप उसको चालू करते हैं तो ऐसे में जो बूटिंग कहलाती है, उस बूटिंग को बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। ऑलराइट गाइस, अगर हम बात करें वार्म बूटिंग क्या होती है, तो यहाँ पर लिखा है यदि कोई कंप्यूटर पहले से स्टार्ट है और किसी कारणवश हमें उसे पुनः स्टार्ट करना पड़े, तो यह क्रिया वार्म बूटिंग कहलाती है। एग्जांपल के लिए, आप अपने कंप्यूटर पर कोई कार्य कर रहे हैं और अचानक से लाइट चली जाए, या किसी भी प्रकार आपका कंप्यूटर बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, और कंप्यूटर बंद हो जाने के बाद अगर आप उसको दोबारा से चालू करते हैं, तो ऐसे में वो जो बूटिंग होती है, उस बूटिंग को ही वार्म बूटिंग बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।